इसराइल हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट का लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर और हिंद महासागर इसराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों का कब्रिस्तान बन चुके हैं। इन इलाकों से जो भी जहाज या युद्धपोत निकलने की जरूरत करता है, हूती उसके ऊपर काल बनकर टूट पड़ता है। और अभी तक लाल सागर में हूती ने 2 मालवाहक जहाजों को डुबो दिया है, जबकि एक जहाज अभी भी उसके कब्जे में है। और इसराइल के खान यूनिस के अलमवासी कैंप पर हुए नरसंहार के बाद तो इन समुद्री रूटों पर हूती के हमले और भी ज्यादा भीषण हो गए हैं, और इन हमलों का दायरा भी पहले से काफी अधिक बढ़ चुका है। और अब इसी कड़ी में यमन के हूती ने लाल सागर में 2 और भूमध्य सागर में 1 ऑयल टैंकर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हूती ने इन जहाजों पर कुल 3 हमले किए हैं। दरअसल हूती का कहना है कि उसने ये हमले इराक के प्रतिरोधी समूह के साथ मिलकर किए हैं। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इन हमलों की जानकारी दी है। उनका कहना है कि लाल सागर में बेंटले ऑयल टैंकर पर कई समुद्री ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। यह हमला यमन की नौसेना, रॉकेट फोर्स और ड्रोन फोर्स ने एक साथ मिलकर किया है। इसके अलावा लाल सागर में शायोस लायन ऑयल टैंकर पर एक ड्रोन के जरिए हमला किया गया। हूती का कहना है कि ये दोनों ही जहाज फिलिस्तीनी बंदरगाह पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करके आगे बढ़ रहे थे। وعلى النحو التالي الأولى نفذتها القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية استهدفت سفينة بنتلي آي في البحر الأحمر العملية الثانية استهدفت سفينة شيوس لايون النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وجاء استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة العملية الثالثة نفذتها القوات المسلحة اليمنية وهي ब्रिटेन की मैरिटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसी तरह की 2 घटनाओं की चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा था कि पहले जहाज पर यमन के उत्तर पश्चिम में अल हुदेदा से करीब 179 किलोमीटर दूर हमला हुआ। इस हमले में एक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, जिसने जहाज को बंदरगाह की तरफ से नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इसी इलाके से दक्षिण पश्चिम में करीब 129 किलोमीटर दूर एक जहाज पर कई बार हमले हुए, और एक समुद्री ड्रोन जहाज के करीब आकर दोपहर करीब 3:30 पर फट गया था। वहीं भूमध्य सागर में इराक के प्रतिरोधी समूह और हूती ने मिलकर ओलिवा ऑयल टैंकर पर हमला किया है। याया सारी का कहना है कि इस हमले ने अपने टारगेट को हासिल किया। بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط واستهدفت سفينة أولفيا وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله आपको बता दें कि हूती के प्रवक्ता याया सारी ने आगे कहा कि इसराइल लगातार गाजा में हमारे भाइयों का नरसंहार कर रहा है। सिर्फ यमन के लोग, सशस्त्र बल और उनके अपने ही इसमें उनका समर्थन कर सकते हैं, और हूती भी अपने हमले तब तक जारी रखेगा जब तक कि इसराइल गाजा में अपनी आक्रामकता को रोक नहीं देता।